बिहार में हूं निवेदिता। लोकसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद मोदी और बीजेपी की दुनिया दीवानी हो गई है और मोदी को बधाई संदेश और मुबारकबाद देने का तांता लगा हुआ है। ऐसे में अमेरिकी व्यवसायी और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई दी है। गेट्स ने भरोसा जताया है कि स्वास्थ्य, पोषण और विकास के प्रति मोदी की प्रतिबद्धता से लोगों की जिंदगी में उल्लेखनीय सुधार आया है और आगे भी मोदी नीति की वजह से आता रहेगा। अमेरिकी कंपनी सिस्को के चेयरमैन जॉन टी चैम्बर्स समेत कई उद्यमियों ने भी पीएम मोदी को जीत की बधाई दी है। चैम्बर्स ने ट्वीट कर कहा कि चुनावी जीत के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई। मुझे यकीन है कि अगले 5 साल में उनके नेतृत्व में भारत आर्थिक और समेकित विकास में दुनिया में अग्रणी बना रहेगा। फिर एक बार मोदी सरकार। लेकिन हम अपनी बात सिर्फ और सिर्फ गेट्स तक ही सीमित रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर और दुनिया के दूसरे बड़े अमीर बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। बिल ने अपने बधाई संदेश में लोकसभा चुनाव में मोदी की जीत को उल्लेखनीय कदम बताया है। गेट्स ने सोशल मीडिया पर कहा कि स्वास्थ्य, पोषण और विकास को बेहतर बनाने की आपकी प्रतिबद्धता से कई लोगों के जीवन में सुधार आएगा। गेट्स खुद भी हेल्थ सेक्टर में परोपकार के कई काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक और बात बता दें कि मोदी की कई मौकों पर बिल गेट्स ने तारीफ की है। मोदी सरकार द्वारा चलाए जाने वाले आयुष्मान भारत की योजना, जिसके अंतर्गत गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में दिया जाता है। जब ये योजना झारखंड से लॉन्च हो रही थी तो इस योजना को लेकर बिल गेट्स ने काफी तारीफ की थी और मोदी के शान में कसीदे पढ़ते हुए कहा था कि मोदी देश के गरीबों के बारे में सोचते हैं और ये योजना बहुत ही क्रांतिकारी साबित होगी। कई विश्लेषकों का मानना है कि आयुष्मान योजना और उज्ज्वला योजना, बिजली योजना, जिसके चलते भारत के लोगों ने एक बार फिर मोदी पर भरोसा जताया है और यही कारण है कि मोदी सरकार दोबारा बहुमत के साथ एक बार फिर सत्ता में आई है। कुल मिलाकर मोदी की योजना और उसके सफल होने पर दुनिया का दौलतमंद आदमी बिल गेट्स ने बधाई दी और मोदी की तारीफ भी की। नमस्ते साथियों, आज एनडीए की मीटिंग हुई थी और जैसा आप सब जानते हैं एनडीए के सभी सांसदों ने और एनडीए से जुड़े हुए सभी राजनीतिक दलों ने सर्वसम्मति से मुझे नेता चुन करके एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं एनडीए के सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और एनडीए के सभी प्रमुख नेताओं ने आज राष्ट्रपति जी को मिलकर के इस निर्णय की जानकारी भी दी और बाद में राष्ट्रपति जी के सूचन पर मैं आज अभी उनसे मिलने आया था। राष्ट्रपति जी ने मुझे पदनामित प्रधानमंत्री के रूप में पत्र दिया है और शपथ, मंत्रिपरिषद के शपथ के लिए आगे की कार्यवाही के लिए मुझे सूचित किया है। मैं हो सके उतना जल्दी आगे की कार्यवाही की जानकारियां आदरणीय राष्ट्रपति जी को पहुंचाऊंगा। स्वाभाविक है कि देश एक बहुत ही बड़ा प्रचंड जनमत दिया है और इन जनमत के साथ, जन आदेश के साथ जन अपेक्षाएं भी जुड़ी हुई है। हमारी सरकार नए भारत के निर्माण के लिए और विशेष करके 2022, जब आज़ादी के 75 साल देश मनाने जा रहा है, ये अवसर अपने आप में
130 करोड़ देशवासियों का अवसर बने। आजादी के आंदोलन में जैसे हर देशवासी कोई न कोई संकल्प करता था, वैसा हर देशवासी देश के लिए, समाज के लिए, भविष्य के लिए कुछ करने के लिए संकल्प करें और जीवन में उसको उतार करके दिखाएं, ऐसा अवसर 2022 हमारे सामने है। ये वर्ष महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का भी है और ये वर्ष गुरु नानक देव जी के 550वें वर्ष का भी है। यानी एक प्रकार से बहुत ही सुभग अवसर का एक कार्यकाल है और विश्व की जो स्थिति है उसमें भी भारत के लिए अनेक संभावनाएं लेकर के समय आया है। उन अवसरों को हम गंवा न दें, उन अवसरों का अधिकतम फायदा लेने के लिए भारत को हम सज्ज करें। देश की आवश्यकताओं की पूर्ति का जो वातावरण है उसमें हम बल प्रदान करें। उन बातों को लेकर के आने वाले दिनों में सरकार अपना काम तेज गति से आगे बढ़ाएगी। हम नहीं चाहते हैं कि एक पल भी विराम का जाए। चरैवेति 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 के मंत्र को साकार करते हुए चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, ध्येय प्राप्त करते रहें। इस मिजाज के साथ नई सरकार भी काम करे। उस संकल्प को मैं फिर एक बार देश के सामने दोहराता हूं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। एक ऐसा मंत्र है जो भारत के हर क्षेत्र के विकास के लिए, सर्वसमावेशक विषय के विकास के लिए बहुत ही उत्तम राह दिखाता है। सबकी सुरक्षा और राष्ट्र की समृद्धि, उसके प्रति भी प्रतिबद्धता के साथ हम सबको आगे बढ़ना है। मैं फिर एक बार देशवासियों का धन्यवाद करते हुए विश्वास दिलाता हूं कि नई सरकार आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपकी आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।